हेलो फ्रेंड्स, आज हम लगाने वाले हैं यहाँ पर एक सिस्टम, ये वाला। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अपने को यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो मैंने इसको सेट कर लिया है, ये डिब्बे में आया था, तो काफ़ी टाइम हो गया इसको खोले हुए। मैंने एक पाइप है ये, जिसमें से पानी नीचे आता है, आवाज़ नहीं आती। ये लॉक है पानी रोकने का, इसमें दो तरीके से ये लट्टू लगता है। ये देख सकते हैं, इस साइड लगा सकते हैं, इस साइड लगा सकते हैं इसको। तो ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पानी जितना आएगा उसी हिसाब से इसको अपन लो कर सकते हैं। ये वाली जो है पिन है, हमें जितना लेवल रखना है एक बार में, एक प्लस में कितना पानी चाहिए उस हिसाब से ये लॉक कर देगा उसी लेवल पे। तो ये उसके लिए है, इसको मैंने पूरा कर दिया है कंप्लीट। स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको आगे से, इसको आगे धकेल सकते हैं और फिर यहाँ से लॉक कर देंगे इसको ऐसे। ये वाला सेट कर दिया है, यहाँ पर चूड़ी लगी हुई है, इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। ठीक है, तो अभी ट्राई किया मैंने इसको लगा के। जो मेन मुद्दा है वो है इसका पाइप का। एक्चुअली मैं चाहता हूँ थोड़ा इतना ऊपर लगे, हाँ, बैठने उठने में दिक्कत ना हो, तो उसके लिए मैंने ये पाइप जॉइंट किया है। इसकी अलग से वीडियो बनाई मैंने शॉर्ट, तो आप देख सकते हैं उसको। ये पहले बेंड था तो मैंने इसको सीधा किया था, उसकी वीडियो आपको आई बटन मिल जाएगी ऊपर राइट साइड। इसके जो दो रबड़ आए थे वो अभी गुम हो चुके हैं, तो मैं ये लगा रहा हूँ। और एक रबड़ लगा दिया मैंने खिलौने वाला, वो वाला रबड़। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, तो इसको ठोक देंगे यहाँ पर, बिल्कुल टाइट टाइट घुमा देंगे। चलिए अब लगाते हैं इसका ढक्कन, ये वाला डाल देंगे इसको। ये इसके साथ आई सब भी इसकी, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे अपन। एक ये आई फिल्टर साथ में, ये यहाँ पर लगाने के लिए। तो अभी करते हैं इसको सेट, पहले लगाएंगे इसको अंदर एक रबड़, ये इसको डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और अब लगा दें इसको इसके ऊपर ऐसे, ध्यान से लगाइए। ये डल गया है बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पर अटक गया है। सुराख करेंगे अब इसके, जो कि मेन मुद्दा है। इस डिब्बे में आई थी दो क्लिप्स, जो कि इसको रोकने का काम करेंगे। डब्बे को ऐसे दीवार में लगाऊंगा मैं, तो इस गैप में ये घुस जाएगा। यहाँ पर घुसेंगे वो दोनों क्लिप्स, एक यहाँ एक यहाँ। तो इसका सेंटर लेने वाला हूँ मैं, थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। ये सेंटर ले लिया इसका अंदाजे से, और ये सेंटर से थोड़ा सा आगे आ रहा है ये वाला हिस्सा, तो मैं इसके किनारे को सेंटर मान रहा हूँ इसका। तो इसका किनारा और इसका ये वाला किनारा सेंटर बन गए हैं। अभी लगाते हैं निशान। इसका सेंटर बनाने के लिए पहले तो इसको लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से कुछ डाल के वो नाप लेंगे कि कहाँ पर आएगा सेंटर। ये इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखते हुए, बिल्कुल पैरेलल है टाइल्स के। ओके, तो यहाँ पर इसका सेंटर आएगा, यहाँ पर और नीचे, यहाँ पर आया सेंटर, यहाँ। बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे लगाना है। हो गई सुराख। ये साथ में आते हैं दो, ये ऐसे कलर की आई थी लेकिन गुम हो गई वो, पापा ने दूसरे लिए हैं। सक्रू भी साथ में आते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल पैरेलल है, फंसाएंगे। वॉशर तो है इसके अंदर, ये डल गया, अब इसको टाइट कर देंगे। और अब इसको कर देंगे टाइट, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। ये देखिए बिल्कुल नहीं हिल रहा, फिक्स हो गया बिल्कुल। अब लगा देते हैं इसका कवर, और ये कहाँ लगेगा वो दिखाता हूँ आपको। ये लगेगा यहाँ पर इसके अंदर ऐसे, इसलिए इसलिए दिया गया था कि पिचके नहीं ऊपर से, बिल्कुल नहीं दबरा अंदर। तो इसको लगा देंगे अपन कुछ इस तरीके से ऐसे, इसके अंदर डाल के ये देखिए ऐसे दबाएंगे, तभी ऊपर उठा देगा उसको इसको ऐसे। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लॉक कर दिया मैंने, और ये फिट हो गया बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा 1% भी। तो आप इजीली अपने घर पे खुद ही लगा सकते हैं, खुद ही। पहले इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा ना लॉक को, तो इसको दबाएंगे ऐसे, देखिए डल गया ना, सिंपल है। तो यहाँ से दबाएंगे ऐसे तो ये उठ जाएगा, ये देखिए बस हो गया, सिंपल था फ्रेंड्स। फाइनली मैं इसी पाइप लेके आ चुका हूँ, और 2.5 फुट लंबी ये पाइप आई इसकी, और इसकी ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है। तो बिल्कुल यह एक्यूरेट काम कर रहा है, किसी प्रकार की कोई लीकेज की समस्या नहीं है पानी की। तो मैंने खुद से लगाया था इसको। इसके अंदर एक बात लगी मेरे को, जो सुराख कर रहे हैं पीछे अपन, वो इसको ही ध्यान में रखते हुए करेंगे। इसको टंगाएंगे ना तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए,
बस ये ध्यान रखना है, बाकी कोई समस्या नहीं है। थोड़ा ऊपर रह जाएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको टाइट कर देंगे, अंदर वाला टाइट है ही। और ये वाला जो है ये मैंने बताया था एयर पासिंग के लिए, लेकिन ये एयर पासिंग का नहीं है, ये ओवरफ्लो का। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऑटोमेटिक लॉक है तो पानी को रोके रखता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो अभी दिखाता हूँ आपको, देखिए। और इसको ऐसे दबा के ऐसे दबाना पड़ता है, ज़्यादा पानी लगाना है तो ऐसे दबाए रखो, नहीं तो फिर ऐसे थोड़ा यूज़ करना पानी है हमें, तो इसको वापस दबाना पड़ेगा यहाँ से, ऐसे ऐसे रोकना हो, तो ऐसे होता है यूज़। तो इसकी हाइट जो है पूरी 4 फुट के करीबन है या ज़्यादा है। तो दोस्तों एक नंबर का काम है, आप अपने खुद से लगा सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 वीडियो देखने पड़ेंगे और ये लग जाएगा। ये भी मैंने खुद से बनाया है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको इसी वीडियो में, तो आप इसी भी खुद से लगा सकते हैं। और अपना वाश बेसिन जो है वो भी मैंने खुद से लगाया है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ जानकारी काम की लगी होगी। एक टिप देता हूँ यहाँ पर मैं, इसका जो कवर आता है आगे का ढकने का वो काम नहीं किया, क्योंकि ये जो है जो अंदर वाली जो है जो एफ टी है वो थोड़ी अंदर रह गई, ऊपर टाई लगे ना तो थोड़ी अंदर रह गई, बिल्कुल किनारे पे रहेगी, तब ये जाके कवर लगेगा, तब ये कवर हो पाएंगी, नहीं तो ये अच्छे से लग नहीं पाएगी और लीकेज रहेगी। इसमें भी कवर नहीं लग पाया, केवल इसमें कवर लग पाया है, ये लीकेज है नहीं किसी प्रकार से नीचे से, इसमें भी नहीं लग पाया क्योंकि इसकी जो एफ टी है वो काफ़ी अंदर है। तो इसके आगे अपन वो देते सॉकेट जो कि ज्वाइंट करने के बाद बाहर आ जाती है, तो खर्चा बढ़ जाता, इसे मैंने अंदर ही लगा दी। तो ये टिप है, तो इसको ध्यान रखें, अगर लिपाई वगैरह कर रहे हैं तो बिल्कुल कोने पे लगाएं, ताकि लिपाई आए टाइल आए तो ये बाहर ही रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सिंपल वीडियो है, बस 2 सुराख करने हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और ये वाला ध्यान रखना है ये वाला बस, और कोई ज़्यादा समस्या नहीं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय।